हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? या तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। और आप में से जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो, नई अपडेट, बड़ी मूव्स आ रही हैं बाज़ार में, वो आपकी मिस ना हो। तो आप सभी का हमारे yourtradingguide.com के वेबसाइट पे भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अब हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। और आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे, एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल के लिए। ये वीकेंड थोड़ा लंबा था, सैटरडे संडे फिर मंडे भी ऑफ था, तो तीन दिन की छुट्टी के बाद आज बाज़ार खुला और खुलते से ही बाज़ार का स्वागत हुआ। और आप देखिए क्या शानदार मूवमेंट आई है निफ्टी बैंक में। तो सभी शोकेस के ट्रेडर्स ने ये रैली एन कैश की। हमने यहाँ पे बाय किया था निफ्टी बैंक और ऑप्शंस खरीदे थे हमने, 29,400 के कॉल्स खरीदे थे और उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किया। और उसके बाद हम प्रॉफिट बुक करके निकले बाज़ार से, एक कैंडल और ऊपर गई और फिर ये पूरा करेक्शन आ गया। तो बाज़ार में आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। देखिए बाज़ार में सारा दिन अगर हम चाहे पोजीशन लेके बैठें या ना बैठें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि हम सही समय पर एंट्री करें और सही समय पर बाज़ार से निकल जाएं। फिर बाजार में क्या होता है क्या नहीं होता हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने जो पैसा चाहिए था, जिस मोटिव को, जिस पर्पस को लेकर हम ट्रेड कर रहे हैं, वो हमारा फुलफिल हो गया। ठीक है, तो आप लोग हर दिन को प्लान करिए। आपको लेवल्स दिए जाते हैं, आप प्लान कीजिए, अच्छा ठीक है इतने पॉइंट्स मिले, अभी हमने बुक करके एग्जिट कर देना है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, डॉलर हो, व्हेन यू प्लान योर ट्रेड एंड देन यू ट्रेड योर प्लान, यू मेक मनी। क्योंकि मैटर ये नहीं है कि हमने एक दिन पैसा बनाना है बाज़ार में, हमें रोज़ पैसा बनाना है। कई लोगों के लिए ट्रेडिंग एक फुल टाइम बिजनेस है, जैसे कि मैं, कई लोगों के लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। तो हमने ट्रेडिंग को एक बिजनेस प्लान की तरह रोज़ प्लानिंग करनी है, लेवल्स के साथ प्रिपरेशन करनी है और फिर सही समय आने पर एंट्री की, प्रॉफिट लिए और बाहर। तो ये थी थोड़ी सी ज्ञान की बातें, साइकोलॉजी जो हम करते आते हैं। अच्छा, आप में से सभी लोगों को मैं बता दूं कि सिर्फ आज 22 तारीख है, 28 तारीख तक हमारा दिवाली धमाका ऑफ़र वैलिड है। तो सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं, हाफ प्राइजेस में सारी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। तो आप में से जो भी लोग वेट कर रहे थे दिवाली के ऑफ का और सीरियसली सीखना चाहते हैं, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उन सभी का वेलकम है। और 6 दिन बचे हैं, अपनी सीट्स जल्दी रिजर्व कराएं। और आप में से जिन लोगों ने भी ऑलरेडी बुकिंग करा ली है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दिवाली पे हम एक रेजोल्यूशन लें कि हमें ट्रेडिंग को सीखना है। हम ट्रेडिंग कर तो रहे हैं, लेकिन इस बार के हमारा रेजोल्यूशन, हमारी प्रतिज्ञा ये हो कि हम सीख के करेंगे, हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेंगे और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं, हमारा कंपटीशन हमारा खुद से है और हम खुद को हर दिन बेहतर बनाएंगे, एज अ ट्रेडर भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में रिवर्सल लेवल्स हैं, शॉर्ट लेवल्स हैं, लेकिन कल के लिए मुझे ऐसी उम्मीद है कि बाज़ार निफ्टी का साइडवेज रहना चाहिए। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली गाइज, क्योंकि आप देखिए एक भी पहला स्विंग टॉप बना था निफ्टी में और अभी जो एक स्विंग टॉप नया बना है निफ्टी में, वो उससे थोड़ा ऊपर बना है। इस लेवल की पियर्सिंग हुई, जो लोग क्लासिकल पैटर्न्स को जानते होंगे उनको पता होगा कि ये एक वी पैटर्न है जो पूरा कंप्लीट हुआ है, वी पैटर्न। लेकिन अभी इसमें फ्रेश बाइंग नहीं है बाज़ार में। ठीक है, अभी बाज़ार में क्या है, पीपल आर लॉन्ग इन द मार्केट अप टू देयर नेक। लोग गले तक लॉन्ग हो चुके हैं इस बाज़ार में। क्यों? क्योंकि एक रैली आती है, पहले जो दो तीन दिन की रैली होती है, जैसे ये पहला दिन था बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग का, उसके ये जो पहला शॉर्ट कवरिंग होता है, ये सिर्फ
शॉर्ट कवरिंग होता है इसमें लोग खरीदते नहीं हैं, दूसरे दिन शॉर्ट कवरिंग आती है लोग शॉर्ट काटना शुरू करते हैं, और जब दो तीन दिन रैली हो जाती है तो बाज़ार में लॉन्ग का माहौल बन जाता है, और अब लास्ट दो दिन में जो माहौल बना फिर सेलिंग शुरू हो गई। तो लॉन्ग्स में थोड़ा एग्जॉशन हुआ है नो डाउट, बाज़ार में एक प्रॉफिट बुकिंग सही लेवल से आई है, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। एक वी पैटर्न बना था, एक स्विंग हाई बना, फिर एक और स्विंग हाई बना, और उस हाई को पियर्स करके प्रीवियस जो स्विंग हाई था अप्रॉक्स 11,695 का था, आज का जो हाई लगा है 11,714, लगभग 19-20 पॉइंट ऊपर गया, वहाँ से फॉल्स किया और पूरा बाज़ार नीचे गिरा है, 588 पे क्लोजिंग आई है। तो बहुत सुंदर तरीके से आज का बाज़ार प्ले आउट हुआ, आप लॉन्ग में भी प्रॉफिट ले सकते थे, आप बाज़ार में शॉर्ट साइड में भी प्रॉफिट ले सकते थे। बहुत अच्छा और बहुत इजी मार्केट था, जैसे क्वेश्चन पेपर होता है कोई इजी होता है कोई टफ होता है, आज का जो मार्केट था वो इजी मार्केट था और इसमें आपको इजीली पैसा बना सकते थे। तो अभी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और इन प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स पे थोड़ा सा आपको साइडवेज एक्टिविटी बाज़ार में देखने को मिलेगी, बाज़ार ऊपर जाने की कोशिश करेगा फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी बाज़ार में। तो जिन लोगों ने नीचे लॉन्ग किया हुआ है 150-200 के लेवल पे, वो लोग अभी 700 पहुंच गई है, 500 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, दिवाली के पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो पर्सनली आई थिंक दैट सम प्रॉफिट बुकिंग शुड कम इन टू द निफ्टी। और अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो लेट मी अप्लाई द मूविंग एवरेज सिस्टम। तो 20 और 10 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो 11,418 के अराउंड है, तो इतना तक का करेक्शन बाज़ार में आ सकता है, दिस इज़ नॉट रूल्ड आउट। आई नो आई एम टू अर्ली टू टेल यू दैट दिस करेक्शन मे कम, लेकिन समझदार वही जो इशारे समझ जाए और जल्दी हमारी प्रॉफिट बुकिंग कर ले। भले आप अगर शॉर्ट नहीं भी करना चाहते तो आप लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुक करके और करेक्शन का वेट कीजिए बाज़ार में, और फिर जब करेक्शन कंप्लीट हो तो फ्रेश बाइंग कीजिए। तो एक करेक्शन बाज़ार में इस लेवल तक बिल्कुल आ सकता है, 11,400 से 420-430 का जो एरिया है यहाँ तक ये करेक्शन कंटिन्यू कर सकता है निफ्टी में। तो कल के दिन के लिए हमें क्या करना है, हम कल के दिन में लॉन्ग की भी अपॉर्चुनिटी देखेंगे और शॉर्ट साइड में शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। रिवर्सल शॉर्ट का जो एरिया आ रहा है वो 11,627 जोन्स है, इस जोन में अगर निफ्टी आती है, निफ्टी 50 आती है, तो आप बिल्कुल इसको शॉर्ट कर सकते हैं। करेंट लेवल जो क्लोजिंग आई है 11,588, तो 88 से 27 ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स है। अगर 40 पॉइंट की एक रैली बाज़ार में देखने को मिलती है तो उस रैली पे आप शॉर्ट कीजिए बाज़ार को, और बाज़ार आपको वापस यहाँ से नए लोअर लेवल्स दिखा सकता है 550 तक। तो यहाँ तक की शॉर्ट सेलिंग आ सकती है बाज़ार में, यानी अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो लगभग 77 यानी 70-80 पॉइंट्स हमको निफ्टी में शॉर्ट साइड में कल के दिन में मिल सकते हैं। दूसरी बात, अगर बाज़ार में पहले सेलिंग आती है और बाज़ार हमको नीचे 550 के अराउंड मिलता है तो इन लेवल्स पे हम बाइंग कर सकते हैं, अगर यहाँ से बाइंग आती है तो। इसलिए बाज़ार का रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले आप रिएक्शन देखिए। अगर 11,550 के लेवल से बाउंस बैक आता है तो इन लेवल्स पे आप निफ्टी को बिल्कुल खरीदिए, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। ये रिवर्सल अगर कंटिन्यू करता है ये मोमेंटम, तो आपको 11,627 तक के टारगेट्स अपसाइड में मिल सकते हैं, 70-80 पॉइंट का टारगेट आपको रिवर्सल लॉन्ग में मिल सकता है।
ब्रेकआउट बाइंग के ये लेवल्स हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। परंतु आज के हम सेशन में ब्रेकआउट लॉन्ग और ब्रेकआउट शॉर्ट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि कल के दिन में निफ्टी साइडवेज रहने वाली है और ऑलरेडी हम 80 पॉइंट की रेंज डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो कल के लिए निफ्टी में दो ट्रेड हैं, एक रिवर्सल लॉन्ग 11,550 के आसपास और दूसरा ट्रेड है हमारा रिवर्सल शॉर्ट 11,627 लेवल्स के अराउंड। तो ये दो ट्रेड हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे, तो चलिए हम निफ्टी बैंक लगा लें चार्ट्स पे, और पहले हम डेली चार्ट देखेंगे। देखिए डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी के एक कितनी प्यारा दोजी पैटर्न बना, दिस इज़ योर दोजी कैंडल। तो दोजी इज़ कॉल्ड एज इनडिसाइसिव कैंडल, एंड दिस इनडिसाइसिव कैंडल कैन आइदर बी ए रिवर्सल कैंडल और इट कुड बी ए कॉन्टिन्यूशन कैंडल। अब ये रिवर्सल कैंडल है या कॉन्टिन्यूशन, इसका पता हमें तब कल की प्राइस मूवमेंट के बाद चलेगा। लेकिन जिस तरीके से निफ्टी ने अपना वी पैटर्न कंप्लीट किया और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक बात है, एकदम हमें खरीदारी का माइंडसेट थोड़ा सा सर चेंज करना पड़ेगा। और ये रिवर्सल कैंडल, आज का हाई एक सिग्निफिकेंट हाई है बैंक निफ्टी का, कोई रिजल्ट आए ना आए बैंक निफ्टी ने तो दोजी बना दिया है। और आज के दिन का हाई है 29,690, यानी 29,700 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसके पहले से ही निफ्टी बैंक टर्न हुई है। और ये अगर आपको याद हो, मैंने पहले मंथ की स्टार्टिंग में बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसलिए हम लोग निफ्टी बैंक में भी एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आप गौर करें, ये पहली कैंडल थी, दिस ग्रीन कैंडल जो 200 दिनों का, ये रेड कलर का जो मूविंग एवरेज है, दिस इज़ योर 200, है ना, 200 मूविंग एवरेज। तो ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर पहली क्लोजिंग थी, ये दूसरी क्लोजिंग थी और ये तीसरी क्लोजिंग है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि एक तो या तो आपने यहाँ पे 200 दिनों को जब क्रॉस किया तब ख़रीदा होता, या फिर आप जो नई ख़रीदारी करिए वो 200 दिनों की रीटेस्टिंग पे कीजिए। ये जो रीटेस्टिंग होगी इसके बाद जो बाज़ार में मूवमेंट आएगी वो सही मूवमेंट आएगी, सस्टेनेबल मूवमेंट आएगी और वो नए लेवल्स तक निफ्टी बैंक को लेके जाएगी। तो या तो आपने 28,850 पे ख़रीदना था, आज हाई लगाया 29,690, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स आपको फर्स्ट शॉट में बुक करना चाहिए था। इफ़ यू हैव मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी, नो प्रॉब्लम, यू कैन वेट फॉर द रीटेस्टिंग ऑफ दिस 200 पीरियड मूविंग एवरेज और इस रीटेस्टिंग के बाद आप खरीदिए। दैट विल टेक बैंक निफ्टी इवन हायर देन दिस रीसेंट हाई। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम कोई बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में शॉर्ट करके भी देखेंगे और 28,860-890 के जोन्स में जब वापस निफ्टी बैंक आएगी, मतलब करंट मार्केट प्राइस से अगर 600-700 पॉइंट की करेक्शन आएगी, उसके बाद हम फिर से निफ्टी बैंक को बाय करेंगे। और इस बार जो हम टारगेट रखेंगे वो सीधा 30,000। ठीक है, तो स्मार्ट तरीका है लेकिन सही तरीका है। दोजी बन गया है, जापानीज ने इसका नाम रखा दोजी, अगर वो किसी भारतीय ने रखा होता तो लोजी रखते। तो यू शुड नो द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडल एंड देन यू सेट योर प्लान अकॉर्डिंगली। एंड आज की जो क्लोजिंग आई है निफ्टी बैंक स्पॉट में 29,411 पे आई है,
कल अगर पहले बाइंग आती है तो हमें वेट करना है 29,537, मतलब 530 से 550 के जोन्स में अगर निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस फेस करती है तो उस जोन में आप निफ्टी बैंक को शॉर्ट कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट आप रखिए 29,300, राइट 140-150 पॉइंट्स लोअर, एंड मेरा मानना है कि ये इसको क्रॉस करके 29,160 तक भी जा सकती है। तो अगर निफ्टी बैंक में आपको रिवर्सल शॉर्ट मिलता है तो आप बिल्कुल लोअर लेवल्स के लिए होल्ड कीजिए। निफ्टी बैंक डायरेक्शनल ज़्यादा है निफ्टी से, तो निफ्टी बैंक में अगर आपको शॉर्ट मिल रहा है तो 300-400 पॉइंट की फॉल आपको आसानी से इसमें मिल सकती है। दूसरी बात है, अगर पहले हमको 300 के अराउंड मिलती है और वहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है तो उसका आप टारगेट रखिए 29,530, और उसके ऊपर अगर जाती है तो 660 तक जा सकती है, जो कि प्रीवियस डे हाई भी रहेगा। अगर इन जोन्स पे, इन लेवल्स पे वापस कल फेल होती है तो नीचे फिर से हमें लोअर लोस बनाती हुई निफ्टी बैंक ज़रूर दिखेगी। तो दो चीज़ें हो सकती है, पहले ऊपर मिलेगी तो थोड़ा वेट करिए, गिरने लगे तो शॉर्ट करिए, नीचे आती है सपोर्ट ले तो लॉन्ग करिए निफ्टी बैंक को, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने वाले एक दो दिनों में एक्सपेक्टेड है। तो गाइस आपको आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल सक्सेस, बाय बाय, टेक केयर।